लर्न ब्रेल विद फातिमा खान। आज हम छोटा सा ओपिनियन ऐसे लिखना सीखेंगे कि स्पेशल एजुकेशन में या स्पेशल चिल्ड्रन के लिए या किसी भी फील्ड में ओपिनियन ऐसे को हम ब्रेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ओपिनियन ऐसे है जिसमें लिखा हुआ है कि पर्सनल स्टेटमेंट स्पेशल एजुकेशन। यहाँ पे हमने हर एक वर्ड पर गौर करना है कि कहाँ पर कौन कौन सा कंट्रैक्शन यूज़ होगा, उसको हमने यूज़ करना है और इसी ऐसे को हमने सेम ऐसे ही ब्रेल में कन्वर्ट करना है। ब्रेल में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, हम अब सबसे पहले अपना ब्रेल फ्रेम लेंगे, उसमें अपना पेज लगाएंगे, स्टाइलस लेंगे और उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। ये चूँकि हमारा इंग्लिश में ऐसे है, छोटा सा ऐसे है, इसको हम लिखेंगे तो जाहिर सी बात है जैसा कि हमें पता है डॉट सिक्स हमें लगाना पड़ेगा। डॉट सिक्स लगाकर हम शुरू करते हैं, पर्सनल लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे कौन सा कंट्रैक्शन यूज़ होता है। यहाँ पे पर्सनल में सिर्फ ईआर का कंट्रैक्शन यूज़ होगा, बाकी खोल के लिखेंगे। फिर एक्सेल छोड़कर स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट में एसटी का कंट्रैक्शन यूज़ होगा और मेंट का होगा। बगैर स्पेस दिए हम कॉलन लगाएंगे, यानी 25 लगाएंगे। नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल में कोई कंट्रैक्शन यूज़ नहीं होगा। फिर एक सेल छोड़कर एजुकेशन लिखेंगे, डॉट सिक्स लगाकर ई डी का कंट्रैक्शन लगाएंगे, फिर एशियन का लगाएंगे। फिर ये लाइन हम लिखकर अपनी ब्रेल फ्रेम की नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, उसमें हम लिखेंगे डॉट सिक्स के साथ ओपिनियन ऐसे। ओपिनियन में देखें आई एन का कंट्रैक्शन यूज़ होगा, ऐसे को हम डॉट सिक्स के साथ खोल के ही लिखेंगे। फिर हम वो वाली लाइन छोड़ देंगे, फिर नीचे वाली लाइन पे आ जाएंगे और दो या तीन सेल छोड़ के हम अपना पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे है टी डब्ल्यू ओ टू खोल के लिखेंगे डॉट सिक्स के साथ। फिर ईयर्स में देखें वाई ई, फिर ए आर का कंट्रैक्शन होगा, यानी 3 4 5 ईयर्स लगा के फिर एक सेल छोड़ के अगो लिखेंगे। फिर विदाउट स्पेस हम कॉमा डालेंगे, डॉट सिक्स के साथ आई लिखेंगे, ई आगे है इम्बॉक्ड, इसमें ए आर और ई डी का कंट्रैक्शन यूज़ होगा, ये यूज़ करेंगे। फिर एक्सेल छोड़कर ऑन लिखेंगे, फिर एक्सेल छोड़कर आ लिखेंगे। फिर जर्नी, जर्नी में देखें ओ यू का कंट्रैक्शन यूज़ होगा। फिर टी, क्योंकि हमें पता है स्टैंडिंग अलोन में दैट होता है तो डैट की लगाएंगे। फिर वुड, डब्ल्यू टी वुड होता है, ये हमने अब्रिवेशन में पढ़ा था। देन टीच लिखेंगे, टीच में टी ई ए का कंट्रैक्शन यूज़ होगा और सी एच का। मी लिखेंगे, फिर मोर हमने पढ़ा है, मोर लिखेंगे। देन में टी एच का कंट्रैक्शन यूज़ होगा, फिर ए एन, फिर डॉट सिक्स लगा कर आई, क्योंकि कैपिटल में लिखा हुआ है तो कैपिटल में जो भी वर्ड होगा उसमें हम डॉट सिक्स लाजमी लगाएंगे। फिर हेड का लिखेंगे, हेड का हमने चूँकि पढ़ा हुआ है, आपने देखना है कि जो स्टैंडिंग अलोन में चीज़ आती है उसको हमने स्टैंडिंग अलोन में लिखना है। जो चीज़ में जिस लफ्ज़ में भी कंट्रैक्शन यूज़ होता है उसमें कंट्रैक्शन यूज़ करना है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता है हैड, तो 4 5 6 एच हैड होता है, ये लिखेंगे। डॉट फाइव ई एवर लिखेंगे। फिर इमेजिन्ड, इमेजिन्ड में देखें आई एन और ई एन ई डी का कंट्रैक्शन यूज़ होगा, फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर एक सेल छोड़ कर डॉट सिक्स के साथ एज लिखेंगे, जेड हमने पढ़ा था, जेड स्टैंडिंग लोन में एज होता है। फिर एक्सेल छोड़कर ए लिखेंगे। देन रीसेंट लिखेंगे, रीसेंट में ई एन का कंट्रैक्शन यूज़ होगा। कॉलेज लिखेंगे, कोई कंट्रैक्शन यूज़ नहीं होगा। ग्रेजिट्यूट लिखेंगे, इसमें भी कोई कंट्रैक्शन यूज़ नहीं होगा। फिर विदाउट स्पेस कॉमा लगाएंगे, फिर एक्सेल छोड़कर डॉट सिक्स के साथ आई लगाएंगे। वॉज का क्योंकि कंट्रैक्शन मौजूद है जो कि है 3 5 6, वाज लगाएंगे। फिर उसके बाद थ्रिल्ड में देखें टी एच का और ई डी का कंट्रैक्शन यूज़ होगा, 2 2 2 3 5 कंट्रैक्शन लगाएंगे। फाइनली में एल ई और आई एन का कंट्रैक्शन यूज़ होगा, डॉट सिक्स। वाई हमने पढ़ा था, एल ई बनता है। बिगिन में बी ई और आई एन का लगेगा। माई, फिर टीचिंग में ई ए, सी एच और आई एन जी, तीन कंट्रैक्शन यूज़ होंगे। फिर एक्सेल छोड़कर कैरियर लिखेंगे, कैरियर में ए आर और ई आर का कंट्रैक्शन यूज़ होगा। फिर एक्सेल छोड़कर इन ए फील्ड, फील्ड में कोई कंट्रैक्शन यूज़ नहीं होगा। डॉट सिक्स के साथ आई लिखेंगे, हैव लिखेंगे, ऑलवेज ए एल डब्ल्यू, एब्रिवेशन में पढ़ा था, ऑलवेज लिख के हेल्ड लिखेंगे, कोई कंट्रैक्शन यूज़ नहीं होगा।
क्लोज में भी कोई कंट्रैक्शन यूज़ नहीं होगा, टू माई हार्ट, टू टू चूँकि 2 3 5 लिखेंगे, फिर टू का एक असूल है कि टू के साथ अगला वर्ड बिल्कुल उसके साथ लिखा जाता है विदाउट स्पेस, विदाउट स्पेस। माई हार्ट लिखेंगे, माई हार्ट में माई में कोई कंट्रैक्शन यूज़ नहीं होगा, हार्ट में ए आर का कंट्रैक्शन यूज़ होगा, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। देन डॉट 6 लगा कर माई लिखेंगे, फर्स्ट में देखिए एफ एस टी एब्रीवेशन में हमने पढ़ा था, फिर टू लिखेंगे, ईयर्स में ए आर का कंट्रैक्शन यूज़ होगा, एस में जेड लिखेंगे और ए लिखेंगे, फिर एक्सेल छोड़कर स्पेशल लिखेंगे, एजुकेशन में जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा ई डी और एशियन का लगेगा, टीचर में भी ई ए और सी एच और ई आर का कंट्रैक्शन यूज़ होगा, प्रेजेंटेड में ई एन और ई डी का कंट्रैक्शन यूज़ होगा, काउंटलेस में आउट और लेस दोनों का कंट्रैक्शन यूज़ होगा, आउट का क्योंकि हमने पढ़ा था आउट होता है 4 6 टी आउट और लेस 4 6 एस लेस बनता है, काउंटलेस लिखेंगे, फिर चैलेंजेस में ई एन का कंट्रैक्शन यूज़ होगा और सी एच का यूज़ होगा, फिर बगैर स्पेस दिए कॉमा लगाएंगे, हाउ एवर में ओ डब्ल्यू और डॉट 5 ई एवर लिखेंगे, फिर विदाउट स्पेस कॉमा लगाएंगे, इट क्योंकि एक्स इट होता है, आल्सो में ए एन लगाएंगे, ब्रॉड में बी आर लगा के आउट का कंट्रैक्शन यूज़ होगा, आउट हमने पढ़ा था डॉट 5 ओ यू यानी 1 2 5 6 आउट बनता है, मी लिखेंगे, ग्रेट में जी आर टी एब्रीवेशन यूज़ होगा, फुलफिलमेंट में मेंट का कंट्रैक्शन यूज़ होगा। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अब देखिए फुल का क्योंकि हमने कंट्रैक्शन पढ़ा है फुल 5 6 एल फुल होता है, लेकिन ये वर्ड के एंड में होता है, स्टार्ट में कभी यूज़ नहीं हो सकता। एंड लिखेंगे, एंड का कंट्रैक्शन 1 2 3 4 6 डिपेंड में ई एन और ई डी का कंट्रैक्शन यूज़ होगा, माई लिखेंगे, पैशन में सी ऑन एस आई ओ एन का कंट्रैक्शन हमने पढ़ा था 4 6 एन ये यूज़ होगा, उसके बाद फॉर का कंट्रैक्शन लगाएंगे, टीचिंग में ई ए सी एच और आई एन जी का कंट्रैक्शन यूज़ होगा, एक्सेल छोड़कर स्टूडेंट्स में एस टी ई एन का कंट्रैक्शन यूज़ होगा, विद के डॉट लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे स्पेशल, स्पेशल में कोई कंट्रैक्शन यूज़ नहीं होगा, नीड्स में ई डी का कंट्रैक्शन यूज़ होगा। इसी तरह हम अपना ओपिनियन ऐसे ब्रेल में लिखेंगे, एक एक वर्ड का ध्यान करके कि कहाँ पर कौन सा कंट्रैक्शन यूज़ होता है, हर वर्ड को देखना है, जहाँ पर भी जो कंट्रैक्शन यूज़ होता है वो हमें हर हाल करना पड़ता है, क्योंकि ब्रेल प्रोफिशिएंसी टेस्ट हमारे इसी कंट्रैक्शन की बेस पर क्लियर होता है। थैंक यू।